जय सियाराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो फिलहाल वर्कआउट चेंज है और साथ साथ मानसून आ गया, तो इसका जो सीरीज है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब चल कटिंग ही रही है, बट नाम बस चेंज हो जाएगा, जो कि रहेगा मानसून कटिंग डे वन। अब वो उसी से कंटिन्यू ही रहेगा, बट समझ जाओ भाई, अब जो नहीं देखा है पहले के वीडियोज़ उसको नहीं पता कि क्या चल रहा है ना। तो चलते हैं जिम लेना है लेग्स, आ जाओ। तो जिम पहुंच चुके हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। लेग्स देना ही है, बताया था, आ जाओ। लेट्स गो स्क्वाट्स। अब मैं स्टार्ट स्क्वाट से ही कर रहा हूँ क्योंकि वर्कआउट चेंज है ऑब्वियसली, तो मैं हैमस्ट्रिंग पहले नहीं ले रहा हूँ। इसमें जो मारने की जो क्या कहते हैं इसको, तरीका बोलो या फॉर्म, सॉरी स्ट्रेटजी बोलो कि कैसे लूँगा, तो वही है कि दो वार्म अप लूँगा जो कि अराउंड 50 kg 80 kg रहेगा, और फिर स्टार्ट करूँगा सबसे हैवी रेप्स, मतलब जो सबसे लास्ट में लेता हूँ सबसे हैवी उसको पहले मारूँगा, जो कि रहेगा 130, क्योंकि मेरे को उसमें निकालने हैं मैक्सिमम रेप्स। ग्रेजुअली बढ़ाने से अच्छा है जो एंड वेट है उसको पहले मारो। तो ये पहला वार्म अप 50 kg। Let's go. नो आई एम नॉट श्योर कि मेरा जो पहला सेट जो रहेगा उसमें, क्योंकि मैं सबसे हैवी लूँगा, तो थोड़ा सा अंदर से है ये कि हाँ ना जाए जाए, अजीब टाइप से मतलब फीलिंग है, बट अभी नहीं तो बाद में करना तो है ही, क्योंकि जब ट्रेनिंग अप्रोच चेंज किया हूँ तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा मेरे को। इसके बाद सेकेंड वार्म अप लेंगे ताकि लेग्स अच्छे से रेडी हो जाएं उस पर्टिकुलर सेट के लिए, क्योंकि फिर बाद में इंजरी ना हो जाए ना, इसलिए अपने वार्म अप सेट्स को अच्छे से मार लो। आ जाओ उसके बाद 80 kg सेकेंड वार्म अप। आ जाओ लेट्स गो सेकेंड वार्म अप। आ जाओ 6 to 8 रेप्स अगेन। अब अपन तैयार हैं वर्किंग सेट्स के लिए। आई मीन लेग्स रेडी है, बट फिर भी मैं स्पॉटर रखूँगा ऑब्वियसली, और रेप्स देखते हैं गिनना क्या आपको, शायद फेलियर या शायद जो जैसे भी जो मारूँ। आ जाओ लेट्स गो स्टार्टिंग विद 130 ऑब्वियसली, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। एक सेकेंड स्वाटर। Okay.
ये लास्ट। डन भाई। I'm not sure कितने reps हैं क्योंकि मैं गिना ही नहीं। But हाँ ठीक है। इसमें अच्छा ये था कि मैं जितने reps 110 में ले रहा था उसी के आसपास reps में 130 में ले लिया तो it's a big deal। अब drop करते हैं sets 120। Let's go। लेट्स गो सेकेंड सेट 120 के जी 8 to 10 reps या योग होगी। हाँ 8 से 10 सफिशियंट होगा। अरे यार कितना बचा आप लोग का? थोड़ा आगे करना पड़ेगा मेरे को भाई। डन भाई। ये सारा स्टैंड के चक्कर में गिर जाता है अभी मेरा वेट। चलो उसके बाद लास्ट सेट। लेट्स गो लास्ट सेट 110 12 to 15। ऐसा है ना कि बात करने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा। सीधी सी बात है केवल रैप से फॉर्म में फोकस कर रहा हूँ बाकी समझ नहीं आ रहा। आ जाओ लेते हैं आरडीएल। लेट्स गो आरडीएल पहला सेट। मैं आरडीएल यूजुअली मारता नहीं हूँ ना तो मेरे को ये नहीं पता कि मेरा एक्यूरेट वेट क्या है 10 से 12 रेप रेंज के लिए। तो फिलहाल 70 केजी है। देखते हैं हिसाब से कितना क्या कैसा है फिर बाकी बात है। हाँ लेट्स गो।
आई गेस वेट ड्रॉप करता हूँ और थोड़ी फॉर्म सही करता हूँ। लेट्स गो। सेकंड सेट इस बार 60 kg। थोड़ा सर दर्द दे रहा है थोड़ा सा और लोअर बैक बहुत दिक्कत दे रही है, फिर भी देखता हूँ मारना भाई। फॉर्म मेंटेन रखना, बाकी चल जाएगा। रेप्स वाले कम या हाफ पार्शल ले लो, बट मेन है फॉर्म। Last done. Again weight फिर बढ़ाऊंगा weight 70 kg फिर से। Last set वो रहेगा। Let's go आजा। Let's go last set 12-15 reps 70 kg आजा। ये गेम को उसमें फील उतना नहीं आता। अब इसकी जगह मैं गुड मॉर्निंग ले सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को इसे हटाना पड़ेगा। मैं उस मूड में नहीं हूँ कि मैं वो करूँ, क्योंकि मेरे को इसको भी मास्टर करना ही एक तरह से यार, कि इसमें मेरे को प्रॉपर फॉर्म के साथ मैं मार पाऊँ इसको भी। इसलिए लेट्स गो। हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज खुद देख लेना। अरे लोअर बैक इतनी फट के दर्द कर रही है और साथ साथ सर भी दर्द कर रहा है, बट एक चीज़ ये है कि मेरे को इतना तगड़ा पंप अपने लेग के वर्कआउट में आ सक नहीं है, सही बता रहा हूँ। मतलब इतनी जल्दी अब वो पूरा वर्कआउट खत्म हो तो आ ही जाता है, बट इतनी जल्दी की बात करूँ तो नहीं आया अभी तक। आ जाओ लेट्स गो। लेग एक्सटेंशन पहला सेट जो सबसे हैवी वेट है, ऑफ कोर्स मैं उसमें ट्राई करूँगा। आई मीन जितने में मेरा मुश्किल से मुश्किल 12 से 15 रैप मुश्किल से जाए, ना कि आसानी से। सेवेंटी 75 kg लेते हैं। एक्चुअली 67 से लेता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि जिस फॉर्म के साथ मारना चाह रहा हूँ वो एम्पायर। लेट्स गो। अरे बेंच बहुत पीछे हो गई, अब ठीक रहे शायद। आ जाओ 67 kg पर परफॉर्म। शायद मैं 75 से भी ले सकता था, ऐसा आप मारने के बाद लग रहा है, बट ठीक है जैसा भी गया अच्छा गया। आ जाओ उसके बाद सेकेंड सेट लेट्स गो। सेम वेट सेम रेपिटेशन वही 12 से 15 रेप अच्छी फॉर्म के साथ।
मेरे काफ्स क्रैम्प आ रहे हैं यार, शिट यार, हो गया डन। फिर भी उसके बाद लास्ट सेट जो कि सेम रहेगा, ऑब्वियसली सेम वेट सेम रेपिटेशन, बट यही है कि अब धीरे धीरे डिफिकल्ट लग रहा है मारने में, बिकॉज वही ना कि इतने सही फॉर्म के साथ इतना ऐसे मारो तो वो दिक्कत दे गई, बट यही ग्रो करेगा। आ जाओ इसके बाद लास्ट सेट, लास्ट सेट सेम वेट सेम रेपिटेशन, बट आई एम नॉट श्योर कि 15 रेप सेट होंगे, बट वही है रेफरेंस तो 12-15 के बीच में ही है। देखते लेते हैं हैमस्ट्रिंग, फिर काब्स, बाप रिकॉर्ड्स गए मेरे, लेट्स गो। आ जाओ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, पहला सेट लेफ्ट रेंज भाई 12-15 और प्लेट है ये 3, 4, 6, 9, 12 भी प्लेट, यानी कि 100 किलो। देखो ये दिक्कत है, इसको बार बार एडजस्ट करना है लाइक हेल। ठीक है सेम रेपिटेशन, आ जाओ किया। मैं ये चीज़ मतलब ये बात मैं पहले ही बोला था कि मैं जितना वर्कआउट लेग्स के किया मेरे को इतनी जल्दी इतना
क्या कहते हैं सबको, इतना भयंकर पंप और इतना मतलब इस तरह से इतना एक्सट्रीम, इतनी इतनी इंटेंसिटी मेरी वर्कआउट में आज तक नहीं लगी इतने कम समय में। और अभी ऐसा हो गया कि मेरे से जा नहीं रहा है। बिग डिफरेंस, साइंटिफिक ट्रेनिंग इसको कहते हैं। आ जाओ उसके बाद लास्ट सेट, लेट्स गो। ऑफ कोर्स सेम वेट सेम रेपिटेशन, बट मेरे हैम्स में बिल्कुल दम नहीं है मारने का। आई डोंट नो, देखते हैं। आ जाओ फिर, अरे अरे वेट ज़्यादा था अभी तो मैं बोलूँ। चलो कोई ना, हाँ लेते हैं काफ्स, फिर हो जाएगा। लेट्स गो, लेट्स गो काफ्स। अरे यार वेट कम है, एक सेकेंड। कितना आए, 35 kg, 30 reps। इसमें क्या साइंटिफिक अप्रोच, हाई रेपिटेशन, क्योंकि फोर आर्म्स और काफ्स हाई रेपिटेशन में ही ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Last. Done. उसके बाद सेकेंड सेट, लेट्स गो। 45 kg लेट, अराउंड 22-25 reps। लेट्स गो, 1, 2, 3, 4. उसके बाद लास्ट सेट। वो आ जाओ लास्ट सेट, 55 kg, 20 reps। फटाफट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 last. Done. नेक्स्ट तो हो गया, लेते हैं स्क्वाट्स क्यों लूँगा। एब्स लेंगे, अपर एब्स, केबल क्रंचेस, फिर हो जाएगा वर्कआउट। लेट्स गो, आ जाओ। एब्डोमिनल क्रैम्प्स के चलते अपन एब्स नहीं ले पाएंगे, तो घर जा रहा हूँ मैं। तो कुछ बोलना चाहते हो? मैं क्या बोलूँ फिर वही बात यार, पूरा मेरा कंटेंट बर्बाद कर दिए। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। वही भाई, कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जिम में धीरे धीरे लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लॉन्डो लोग का ध्यान इधर उधर भटक रहा है। चलो हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आ जाओ, हाँ तो वही है, चलते हैं घर, फिर घर चल के बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। आ जाओ। सो वी आर होम। अच्छा, अपन बहुत कुछ इसमें सीख रहे हैं ना, बिकॉज मैं अभी भी जानता तो भाई मतलब कितना ही जान लूँगा, मतलब वो खुद का एक्सपीरियंस है, जितना थोड़ा मोड़ा अपन कर रहे हैं चल रहा है ना, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग इतना नहीं पता। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सुन लिया है ना, उसमें थोड़ी सी अपनी लॉजिक लगा ली, बस ये है कि ये चीज़ें सिर्फ इंटरमीडिएट या जो एडवांस्ड हैं उन पे ये ज़्यादा काम करेगा। बाकी बिगनर्स को तो सिर्फ वही है कि तुम जिम जाओ सबसे पहले, है ना। तो और भी कई सारी चीज़ें वर्कआउट में चेंज करनी है, तो जिस तरह से बनता है अपन आगे चल के धीरे धीरे अप्रोच करेंगे उन बातों में। सिर्फ 4 एक्सरसाइज और जो पंप आया लेग्स में, भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ।
कंप्लीट स्ट्रेच, मतलब हर एक रेप में वो स्ट्रेच फील हो रहा था। हाँ बस मेरे को आइडियल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि मेरे को उसमें फीलिंग डिफिकल्ट लगती है। वो बहुत दो सेट लगा लो या थोड़ा हैवी लगाओ तब जाके वो उस लेवल का फील होता है, बट अदरवाइज वो फील नहीं होता उतना। तो उसको जैसे कि मैंने बोला कि मैं चेंज करूँगा, देखता हूँ उसमें मैं गुड मॉर्निंग ऐड कर दूँ। हाँ बाकी वर्कआउट रेटिंग आज की पूछोगे 10 out of 10, मजा आ गया। बट ये वही कि मैं एब्स ले नहीं पाया क्योंकि मेरे क्रैम्प आ गया तो रह गया वो, कोई बात नहीं अब नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। अच्छा ये जो एक चीज थी कि मैं हैवी से स्टार्ट कर रहा हूँ और जो पहला सेट है वो हैवी ले रहा हूँ, है ना, तो उससे वो ये रहा है कि मैं जो मान लो मैं सबसे पहले 130 में जब पहले स्क्वाट्स लगा रहा था तो 130 में मैं 6 रेप्स है ना मार पा रहा था, इस बार मैं स्टार्ट ही 130 से किया तो मैं 12 रेप मारा शायद 11 से 12, मैं ध्यान नहीं दिया उसमें। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, उतने वेट में ऐसी फॉर्म के साथ 12 रेप्स डैम गुड। उसके बाद उसको अपन ड्रॉप किए है ना, बाकी सेम ही था लेकिन सबसे पहले एंड सेट से यानी कि एंड वेट से अपन स्टार्ट किए वर्कआउट को। अब इसको सारे कंपाउंड में हो सके तो ऐड करूंगा कि पहले अपन जो एंड वेट है उससे स्टार्ट करें। हाँ वो धीरे धीरे अपन समझेंगे उस बात को, है ना। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं इसको, मिलते हैं आप लोगों से कल पुल के साथ, पुल डे। तो मजा आएगा, ध्यान रखिएगा अपना अपना, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सभी भाई बहनों को।